अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, दिन को स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नवाई बुद्धि को जानी है। धन्य धन्य तिन इनते काज संग आज भए, कर जोड़े बारे बारे वंदे नाम हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अहिंसा, इसके संबंध में कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी, आज इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अहिंसा की जैसी व्याख्या जैन दर्शन जैन आगमों में मिलती है, वैसे पूरे विश्व के किसी भी धर्म दर्शन में आपको अहिंसा की चर्चा जानने को नहीं मिलेगी। बहुत स्पष्ट कथन कल भी हमने कहा था, जहां अन्य दर्शनों की अहिंसा जिस लेवल तक पहुंचती है, समझिए वहाँ से तो जैन दर्शन की अहिंसा की शुरुआत होती है। दूसरे जीवों और दूसरे प्राणियों के घात करने को हिंसा तो सारा जगत कहता है, लेकिन अपनी भी हिंसा होती है, अपना भी घात होता है, ये कितने लोग जानते हैं। जब अपने घात की चर्चा चलती है तब भी लोग यही समझते हैं, आत्महत्या आत्मघाती महापापी यही समझते हैं। लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, वो आत्महत्या है, वो आत्महिंसा है। ये वचन आचार्यों के हैं, ये वितरागी संतों के वचन हैं। क्या कह रहे हैं वो, अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है। सारे जिनागम का सार ये है कि आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति हो गई तो समझ लीजिए हिंसा है, हिंसक है वो, हत्यारा है वो, जिसके अंदर में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो हमारे परमात्मा होते हैं वे रागादिक से रहित वीतरागी होते हैं। हमारे भगवान वीतरागी हैं, वे तीन लोक के नाथ हैं, वे रागादिक से रहित हैं, विकार भाव से भिन्न हैं, विकार से रहित हैं, ऐसा उनका स्वरूप है। हमारे वीतरागी संतों का, वीतरागी मुनिराजों का, हमारे संत वीतरागी हैं, हमारे अरिहंत वीतरागी हैं, परमात्मा वीतरागी हैं, और आत्मा स्वभाव से वीतरागी है, और वस्तु स्वरूप वीतरागी है, इसलिए हमारा जैन दर्शन भी वीतरागी है। ये वीतरागी धर्म है, ये वीतरागी दर्शन है, जहाँ राग को किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। ऐसी वितरागता जब होती है तब होती है अहिंसा, और वितरागता को नहीं पहचाने हिंसा ही हिंसा हो रही है निरंतर। तो अप्रादुर्भाव आत्मा में उत्पन्न नहीं होना, रागादि नाम रागादि का उत्पन्न नहीं होना, अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं रागादि का उत्पन्न नहीं होना उसका नाम अहिंसा है। और तेषां में उत्पत्ति हिंसेति, क्या याद की लाइन है, देशा में उत्पत्ति उनकी रागादि का ही उत्पन्न होना हिंसा है। ती जिनागमस्य संक्षेप है, ये सारे द्वादशांग का, सारी जिनवाणी का सार है, ये जिनवाणी का सार है, जिनागमस्य संक्षेप है। फिर किसी ने पूछा, किसी ने बात कही कि साहब झूठ चोरी आदि की बात क्यों करते हो, तो उन्होंने कह दिया, कितना सुंदर वाक्य कह दिया, आत्म परिणाम हिंसन है तो त्वात सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवलम उदाहरतम शिष्य बोधाय, अनृत वचनादि केवल उदाहरतम शिष्य बोधाय। और उनको ज्ञान कराने के लिए झूठ की चर्चा है, चोरी की चर्चा है, खुशी परिग्रह की चर्चा है, वस्तुतः तो सभी हिंसा ही है। ये कैसी हिंसा होगी, अहिंसा के भावों बिना क्षमा हो सकती नहीं। रागादि की उत्पत्ति एक क्षमा का विरोध है भाई साहब, असली क्षमा तो पहचानी ही नहीं हमने, असली क्षमा का क्या स्वरूप है।
कल सायंकालीन थोड़ी बहुत चर्चा मैंने आप लोगों से उत्तम क्षमा के संदर्भ में की थी। हमारा अपराध किस किस के प्रति है पता तो होना चाहिए हमारे को। माफ़ी किससे मांगना है? माफ़ी उनसे मांगना है जिनसे हमारे बहुत मित्रता है, हमारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से, उन्हीं से माफ़ी मांगना है ना। गलती किनके प्रति की थी ये तो बताओ, गलती हमारी किसके प्रति हुई है? क्या हमारी गलती जगत के छोटे छोटे प्राणियों के प्रति नहीं है? क्या एक इंद्रिय जीवों के प्रति हमारे कम अपराध हैं? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, क्या इनके प्रति हमारे अपराध नहीं है? और क्षमा मांगने से पहले क्षमा की जाती है, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा मांग लिया। भाई साहब, क्षमा मांगने से जो रोक रही है वो मान कषाय है। मान कषाय का जब उदय होता है तो व्यक्ति झुकता नहीं, अभिमान होता है ना, क्षमा करना, तो मार्दव वाणी हुई, मैंने झुकने का परिणाम हुआ ना, तो घमंड का अभाव हुआ, तो मार्दव वाणी हुई। क्षमा वाणी कहां हुई? वाणी में क्षमा जब होगी तो क्षमा वाणी होगी। मैं आपको माफ करता हूं कोई व्यक्ति ऐसा कहे क्या, तो वो क्षमा वाणी है। अब बोलो दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा कहता है मैं आपको क्षमा करता हूं? सोचो तो सही है बात, मैं आपको क्षमा करता हूं। अरे क्षमा करता हूं का मतलब ये है मेरे मन में आपके प्रति रंच मात्र भी द्वेष का भाव नहीं है, मैं आपको क्षमा करता हूं। आपकी जो गलतियां हुई है उन गलतियों के प्रति मेरे हृदय में द्वेष भाव नहीं है, इसका नाम है मैं आपको क्षमा करता हूं। और मेरे से जो गलतियां हुई हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, ये तो मार्दव का परिणाम है, मृदुता का परिणाम है। सही नहीं लोगों को, पिछले वर्षों तक बहुत बार क्षमावाणी पर प्रवचन यहाँ किए हैं, रिकॉर्ड हैं। मैं उन चर्चाओं को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हमारे वीतरागी संतों ने तो खामे भी सव्य जीवा और सव्य जीवा खमंतु में, बाद में सेकंड नंबर खामे में सव्य जीवाण, मैं सारे जगत के जीवों को क्षमा करता हूँ, पहला वाक्य ये कहा। और फिर सव्य जीवा खमंतु में, सारे जगत के जीव मुझे क्षमा करें, ये सेकंड नंबर पर है, मनुष्यों से नहीं, मित्रों से नहीं, समझ में आ रही है, समाज वालों से नहीं, मनुष्य मात्र से नहीं, सव्य जीवा सब जीवों से, कबूतरों के प्रति, चिड़ियाओं के प्रति, जिनको पत्थर मारा है उनके प्रति, जिन बंदरों को लकड़ी लेकर के भगाया है उनके प्रति, जिन चूहों को घर से निकाला है उनके प्रति, हैं, जिस छिपकली के पीछे पड़ के आपने रूम से बाहर धकेला है उसके प्रति, नहीं नहीं होनी चाहिए, आपकी गलती नहीं है। हाँ, ये जो साफ सफाई में जिन जीवों की विराधना हुई है, इसीलिए तो जो आलोचना पाठ बोलते हैं या प्रतिक्रमण पाठ बोलते हैं, तो उन सब में बोलो आप, ये क्षमा के प्रसंग पर बड़ा प्रतिक्रमण पाठ जो भी है, जिनकी परंपरा समाज में है सारे जगत में, वो इसीलिए है कि आपको ऐसे वचन बोलते समय आपके परिणाम सरल होने चाहिए और आपके हृदय में वो करुणा भाव जागृत होना चाहिए। यहाँ तो उस करुणा भाव को भी हिंसा कह करके पुकारा, हिंसा और अहिंसा की व्याख्या में उस करुणा भाव को भी हिंसा कह करके पुकारा है, क्योंकि जगत के जीवों के प्रति करुणा तो अनंत बार की, अपने आप के प्रति करुणा इसने आज तक कभी नहीं की। अपने आप के प्रति भी करुणा, अपने आप के प्रति कैसी करुणा होगी? अपने आप को बचाओ, ये करुणा है। ये साहब अपने आप के प्रति तो बहुत करुणा है, ठोकर नहीं लग जाए, सर्दी गर्मी नहीं हो जाए, खांसी जुकाम नहीं हो जाए, बाहर लू चल रही है सावधानी से रहो, ठंड है ओढ़ पहन करके रहो, ठंडी जमीन पे मत खड़े रहो, ये अपने आप को भी तो बचाते हैं ना हम लोग, ये करुणा है या नहीं है? अरे नहीं है, तुम तो अपने आप को पहचाने ही नहीं, कौन सी करुणा की बात कर रहे ऐसे ऐसी सुरक्षा की बात तो बहुत करता है, दांत खराब नहीं हो जाए, आंखें खराब नहीं हो जाए, अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो,
घर में माता पिता भी उपदेश देते हैं, बेटा अपना ध्यान रखो खुद, यहाँ के खराब हो जाएगी तो क्या होगा, ये दांत खराब हो जाएंगे तो क्या होगा, ठंडे पे गर्म और गर्म पे ठंडा, कुछ भी खा रहे हो ऐसे, इतना टीवी मत देखा करो, इतना मोबाइल में मत, ये आँखें खराब हो जाएगी, इतना तेज म्यूजिक मत सुना करो, ये ईयरफोन लगा करके ये खान खराब हो जाएंगे। तो लगता है हाँ मैं आजकल अब बहुत ध्यान रखता हूँ, किसका, अपना। अरे अपने को पहचान, ये जो सुरक्षा है ये सुरक्षा तेरी नहीं है, ये आत्मरक्षा नहीं है, आत्मा को पहचाने तो आत्मरक्षा होगी, और ये आत्मरक्षा की बात चल रही है यहाँ पर, ये जो चर्चा की जा रही है ये आत्मरक्षा के संदर्भ में की जा रही है, आत्मा को पहचानो, अपने को पहचानो। अरे जब अंदर में राग उत्पन्न होता है ना तो द्वेष का सगा भाई है। आचार्यों ने वीत राग शब्द का प्रयोग किया है, वीत द्वेष नहीं, हमारे भगवान वीत रागी हैं, वीत रागी, वीत द्वेष नहीं। तो क्या राग का अभाव मात्र है द्वेष का नहीं? अरे जहां राग ही नहीं होगा वहां द्वेष का तो कहां स्थान है। वीत द्वेषी कहते तो क्या होता, सारा जगत ये कहता है प्रेम से रहो, मिलजुल के रहो, मेल मिलाप बना के रहो, और ये कह रहे हैं वो हिंसा है। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्व आप सर्वमेव हिंसा तत्व अनृत वचनादि के अवरोधार्थम शिष्य बोलता है। आत्म परिणाम हिंसन, आत्मा के परिणामों का घात है या नहीं उसमें ये बदलाव, यदि उसमें आत्म परिणामों का घात है तो वो भी हिंसा है, रक्षा करने का भाव भी हिंसा है ये कौन कहे, बचाने का भाव भी हिंसा है ये बात कौन कहे, मारने के भाव को तो सारा जगत हिंसा कहता है, लेकिन ये जैन दर्शन और वितरागी संतों का कमाल है कि बचाने का भाव भी हिंसा है। भाव ये कैसी अहिंसा है कि बचाने का भाव नहीं आता है, ये कैसी अहिंसा है हमारे वितरागी संतों की जो समान आशीर्वाद देते हैं। बोलो ये बनिए फोटे यहाँ पर श्रेणी महाराज और चेलना दोनों खड़े हैं यशोधर महाराज के बगल में, ये कैसी क्षमाएं हैं, सद्धर्म वृद्धि रस्त ये आशीर्वाद देते हैं, ये कैसी क्षमाएं हैं। सब जीव समान दिखते हैं, हमने यदि किसी व्यक्ति को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना ये कैसी क्षमाएं हैं, पर्याय दृष्टि से देखना ये अपराध है, हमने आपको हीन देखा, हमने आपको छोटा देखा, हमने आपको पापी देखा, हमने आपको रागी द्वेषी देखा, हमने आपको कषायी देखा, हमने आपको भिखारी देखा, ये हमारा अपराध है क्योंकि तुम तो स्वभाव से परिपूर्ण हो, ये गलती नहीं है हमारी। उन्हें चेलना चेलना नहीं दिखाई दे रही और श्रेणी श्रेणी नहीं दिखाई दे रहे हैं यशोधर मुनिराज, तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों उन्हें भावी सिद्ध दिखाई दे रहे हैं, दोनों भगवान बनने के पात्र दिखाई दे रहे हैं, दोनों में पात्रता दिखाई दे रही है, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मित्र हो या शत्रु हो दोनों के प्रति संभाव, ये संभाव का नाम क्षमा है, राग का नाम क्षमा नहीं है, गले मिलने का नाम क्षमा नहीं है, मिठाई खाने खिलाने का नाम क्षमा नहीं है। कौन किसको खिलाता है और कौन किसके पास आता जाता है, सब दोस्तों के यही जाते हैं, सब मिलने वाले जानने वाले परिचित लोगों के यही जाते हैं, जिनके प्रति वास्तव में अपराध किया है उनसे तो कहो क्षमावणी के दिन भी झगड़ ले रहे, क्षमा के नाम पर भी झगड़ ले रहे, ऐसी स्थिति है। मैं हाथ क्यों जोड़ू, मैं क्यों झुकूं, मैं माफी क्यों मांगू, ऐसी बातें कड़ी होती है। चलिए अहिंसा की यहाँ चर्चा में आत्म परिणामों की हिंसा संबंधी इन्होंने बात कही, अपने परिणामों को संभालो। देखिए क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति ये कह सकता है इतनी बात कहे जाने पर दूसरे जीव का मरने और न मरने से हिंसा का संबंध नहीं है, सही है ना, यही कहना चाहते हो ना, दूसरे जीवों के मरने और नहीं मरने से हिंसा का संबंध नहीं है, ये है ना सच्चाई। कुंदकुंदाचार्य ने लिखी, अनेकों आचार्यों ने लिखी, वितरागी संतों ने लिखी, प्राणी मरे या ना मरे कोई संबंध नहीं है। तो फिर प्रश्न है हमारा पेज नंबर 32 पर, क्या प्रश्न है हमारा, हिंसा के कार्यों से बचने की क्या आवश्यकता है, बस परिणाम ही शुद्ध रखें, प्रश्न समझ में आएगा। अब आप हमारे को क्यों उपदेश देते हो, इनसे बचो इनसे बचो, ऐसा करो ऐसा करो, क्या जरूरत है ऐसा कहने की,
परिणाम शुद्ध रखो बस, परिणाम शुद्ध है तो अहिंसा है। आलू खाओ, जमीकंद खाओ, रात्रि भोजन करो, कुछ भी करो, परिणाम अच्छे होने चाहिए। तो रात्रि भोजन खाने का पाप लगता है कि रात्रि भोजन खाने के भाव का पाप लगता है, क्रिया का लगता है कि परिणाम का लगता है? ये फल तो परिणाम होता लगता है। 20 जगह लिखा है ना मोक्ष प्रकाशन में, 20-25 जगह है, इससे भी ज़्यादा मिलेगा आपको। फल तो परिणामों का लगता है, यहाँ लिखा था शायद, ये पुराना हो गया, बहुत साल हो गए। फल तो परिणामों का लगता है, परिणामों का लगता है तो क्रिया का नहीं लगता है कि अरे क्रिया का तो कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिया तो जड़ की है, क्रिया तो देह की है, क्रिया तो अचेतन है, जड़ है वो, तो उसका पाप नहीं लगता है, परिणाम का पाप लगता है। और ये आपने अच्छी बात बतला दी, अब क्या करेंगे, अब आगे से परिणाम अच्छे लगेंगे। मैं जबरदस्ती क्रिया सुधार रहा था, मैं जबरदस्ती छोड़ने और त्याग में लगा हुआ था, अब ये आपने अच्छा बतला दिया, अब मुझे कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं छोड़ना है, अब मैं सब खाना पीना वापस शुरू करता हूं। तो ये कह रहे हैं यहां अमृत चंद्र स्वामी ने इस बात का जवाब दिया है, बहुत मार्मिक, उसी पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ में क्या कह रहे हैं, सूक्ष्मापी न खलु हिंसा, सूक्ष्मापी, सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा भी ना नहीं होती है, खलु वास्तव में हिंसा, सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा भी वास्तव में नहीं होती है। पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः, पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के साथ में संबंध होने पर, दूसरी वस्तु से संबंध होने पर, किसी से खाने पर, किसी के पीटने से, किसी को मारने से, पर द्रव्य के कारण तो हिंसा होती नहीं। अरे मेरे मारने से कोई मरता ही नहीं है, बोलो, मेरे मारने से यदि कोई व्यक्ति मर जाए, कोई जीव मर जाए, तो फिर उसका क्या होगा कि सब आयु से ही जिंदा रहते हैं और आयु से ही मरते हैं, सिद्धांत है ना। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। प्रत्येक जीव का जीवन और मरण उसके आयु कर्म पर निर्भर करता है, उसके जिंदा रहने और मर जाने में आयु कर्म का निमित्त बनता है। निज आयु क्षय से मरण हो, हर जीव का आयु के क्षय होने से मरण होगा। अब हम मारण, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू कैसे मारेगा? मारने के प्रयास कर सकता है, कोशिश कर सकता है, जो कुछ भी करे, लेकिन मरूंगा तो मैं तभी जब मेरी आयु पूरी होगी। लाख प्रयास करने के बावजूद भी नहीं मारा जा सकता है। अरे पांडवों को मारने की कितनी कोशिश की गई कौरवों के माध्यम से, उठा करके देखो आप, इतिहास गवाह है इस बात का। फिर पांडवों का क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं, मर गए। कौन मारने वाले? वो खुद ही मर गए। वो 100 थे, लंबी चौड़ी सेना थी, पूरा राजपाट था, सब कुछ था, और ये 5 थे, था क्या इनके पास में? उसके बावजूद भी क्या हुआ? कौरवों का वंश समाप्त हो गया पूरा, एक नहीं बचा, एक नहीं बचा। वो क्या हुआ, मार पाए क्या? कोई जीव किसी को नहीं मार सकता। हाँ तो आयु पूरी होगी तो सब होगा काम। अभी देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुम्हारे मारने से जब मरते नहीं है तो फिर मैंने मारा, ये तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि मार नहीं सकता है ना, तो मारा ये तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर मुझे पाप क्यों लगता है जब मैं किसी को मार ही नहीं सकता? बोलो, अब जब मेरे मारने से कोई मरता ही नहीं है, हर व्यक्ति अपनी आयु कर्म से मरता है। जैसे देखो कोई व्यक्ति अभी बड़े बड़े लोगों को मारने की, हत्या करने की, हत्यारों की बात क्यों करो, अभी तो इतनी बात करो, एकेंद्रीय जीवों का घात होता है कि नहीं आलू खाने से? होता है, आलू खाने से एकेंद्रीय जीवों का घात होता है। तो एक व्यक्ति ने सामने से प्रश्न किया कि पंडित जी एक बात बताओ, आलू में कौन से जीव है? मैं कहा निगोदिया जी। बोले निगोदिया जीवों की आयु कितनी होती है? तो हमने कहा अपर्याप्तक के श्वास के 18वें भाग, पर्याप्तक के अंतर्मुख, इतनी आयु है। तो बोले जो आलू रखा हुआ है वहां, तब भी वो श्वास के 18वें भाग मर रहे हैं ना,
बोला हाँ मर रहे हैं क्या? तो बोले हम खाएं या नहीं खाएं वो तो अपने आप ही मर रहे हैं, फिर हमारे खाने को क्यों मना करते हो? हमें हिंसा का पाप क्यों लगेगा? हमने मुंह में रखा और चबाया तो उनको तो वैसे भी मरना ही था, तो हमने मारा ये क्यों कह रहे हो? और फिर ये बात भी तो है कि वो अपनी आयु से मरते हैं, हमारे मारने से नहीं मरते, तो हमें पाप क्यों लगता है? सुन, तुझे पाप उन्हें मारने का नहीं लगता, तुझे पाप उनको मारने के भावों का लगता है, परिणामों का पाप लगता है। और सबसे बड़ा पाप तो इस अभिप्राय का है कि मैं मार सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, ये जो मान्यता है इसका नाम है मिथ्यात्व, इसका नाम है दर्शन मोह। मैं मार सकता हूँ ये दर्शन मोह है, और मैं मारूं ये भाव, ये चारित्र मोह है, और मारना तो जड़ की क्रिया है। तो साहब फिर परिणाम ही शुद्ध रख ले मैं आपके हिसाब से, फल परिणामों का लगता है। तो देखो पहली लाइन में तो यही बात कही, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, अर्थ क्या हुआ? सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा भी वास्तव में नहीं होती, ना माने नहीं होती हिंसा, खलु मतलब वास्तव में, सूक्ष्मापि, सूक्ष्मापि थोड़ी बहुत हिंसा भी, पर वस्तु निबंधना भवती मतलब होती है, पुंसे मतलब आत्मा के, क्या क्या कहा? पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के संयोग से हिंसा इस जीव के ना ना हिंसा रंज मात्र भी नहीं होती है। तो फिर अब दूसरी लाइन में जवाब देते हैं, हिंसा ये तन निवृत्ति है परिणाम विशुद्ध ये तद भी कार्य। बहुत सुंदर तर्क दे दिया इन्होंने यहाँ, फिर भी अमृतचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं, तेरी बात तो सही है, पर के कारण नहीं होती हिंसा, लेकिन लेकिन ध्यान देना, लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हिंसा के आयतनों से निर्वृत्ति जरूरी है परिणामों की विशुद्धि के लिए। क्या ऐसा नहीं है कि हम मांस खाते खाते परिणाम शुद्ध रखेंगे? नहीं रहेंगे तेरे परिणाम शुद्ध, हम कुछ भी खाएं पिए और परिणाम शुद्ध रखें, तेरे परिणाम शुद्ध नहीं रहेंगे। और सुन भाई, बिना परिणामों के काम होता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपके परिणाम नहीं है। जिन कार्यों के बारे में आप ये कह रहे हैं कि मन मार के मैंने काम किया है साहब, मेरे तो भाव नहीं थे करने के, उनमें भी तुम्हारे भाव नहीं थे, फिर तुम्हारे भाव नहीं थे, फिर तुमने मना किया, फिर तुम्हारे भाव नहीं थे, फिर तुमने मना किया, तुम्हारे भाव नहीं थे, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है, तुम्हारे भाव नहीं है, फिर बाद में क्या हुआ, चलो ठीक है इतना कह रहे हो तो कर लेते हैं, तो अब ये तुम्हारे भाव बन गए, समझ रहे? माने समय समय के परिणाम भिन्न भिन्न है ना, तो 15 मिनट तक तुम्हारे जो मना करने के परिणाम थे वो तो उसके निषेध रूप परिणाम थे, लेकिन बाद में जब काम हुआ तो तुम्हारे परिणाम बदल गए। इसलिए कोई काम ऐसा नहीं होता है जो काम तुम्हारे परिणामों के बिना हो, तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में तुम्हारे परिणाम होंगे ही होंगे। इधर 10 दिन से मना कर रहा था मैं, तो फिर क्या हुआ अंत में ये तो बतलाओ तुम, फिर वो माने नहीं, इसलिए करना, वो माने नहीं कि तुम मान गए, क्या हुआ? इधर वो नहीं माने क्या करें, तुम मान गए, तुम्हारे परिणाम बदल गए क्या? इधर मैंने तो मना किया था, मैंने मना किया था, मैं नहीं खाता, फिर पीछे पड़ गए, फिर क्या करता, फिर तुझे भी लगा कि चलो कर लेना चाहिए, यही हुआ ना इसका अर्थ। कितना भी दबाव डालो, मैं ये कह रहा हूँ कोई व्यक्ति दबाव डाल करके आपको जहर खिलाए तो आप खाओगे क्या? आपने 10 दिन के व्रत किए और आपकी तो शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है, हाँ, तो जबरदस्ती आपके कपड़े बर्तन आप पर डाले ही जा रहे हैं, लेनी पड़ेगी, फिर आप क्या करोगे, डालोगे यार? आप तो नहीं लेना है, जिन व्यक्तियों को वे तो किसी भी कीमत पर नहीं लेते हैं, कितना भी कोई व्यक्ति आग्रह करे, और जो थोड़े से शिथिल पड़ जाते हैं वहाँ सामने वाला व्यक्ति जीत जाता है। दो व्यक्तियों की चर्चा चल रही है, दो व्यक्तियों का विवाद हो रहा है, एक देने के लिए कह रहा है, एक नहीं लेने के लिए कह रहा है, अब दोनों में से विजय किसकी होगी?
जो बलवान होगा उसकी विजय होगी। आप कमजोर पड़ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, ले क्या होगा। आप कमजोर पड़ गए तो खा लो। आप कमजोर पड़ गए, कमजोर पड़ने का मतलब आपके परिणाम उनके हिसाब से हो गए, ऐसा ही है। ये कह रहे हैं हिंसाए कन्य वृत्ति, ऐसी जगह का निषेध किया है जो हिंसक जगह हो, जिस जगह पर हिंसा होती हो, जिस जगह पर पाप होते हो, जिस जगह पर अपराध होते हो, जो खोटे कार्यों के किए जाने का स्थान है, ऐसे आयतन उससे भी निवृत्ति का उपदेश दे रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी। भूषण खानों में मत जाना, कत्ल खानों में मत जाना, वैश्यों में मत जाना, शराब के दुकानों पर मत चढ़ना। आपको यदि 500 के 2000 के नोट के खुले कराने हैं तो शराब के नोट पर खड़े होकर, दुकान पर खड़े होकर खुले मत कराना। क्या ये कह रहे हैं हिंसा है तन्य वृत्ति ऐसा। अरे साहब मैं तो इसलिए गया था, मैं तो बस। अरे तू किस लिए भी गया हो, ये उचित नहीं है। क्या किताब और कोई है ही नहीं, किसी ने कहा कि वही दे सकते हैं, अब क्या करें, हम नहीं चढ़ सकते उस दुकान पर। तो हिंसा के आयतन है, वो पाप के स्थान है, मांस की दुकानें लगी हुई है, बोलो क्या करना है। रिक्शे वाले को पैसे देने हैं, अब क्या करें, मजबूरी है, पैसे खुले देने के नहीं, छूने लायक नहीं है, स्पर्श करने लायक नहीं है। असंख्यात त्रस जीवों का सद्भाव है वहां, वीराधना का पाप लगेगा, वो स्पर्शित नोट भी। इसलिए सुनना, नोट हाथ में यदि आपके हो तो आप जिनेंद्र देव की प्रतिमा को नहीं छू सकते। नोट सबसे ज्यादा अपवित्र चीज है। क्या किस किस सबसे अपवित्र कह रहा हूं मैं, जगत में पदार्थों में न मालूम किस किस के। आपके घर में जो सिलेंडर आता है ना, धोने के बाद में लगाना, रसोई में आने लायक नहीं है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि वो कहां कहां से घूमता फिरता हुआ आया है, किन किन के हाथों से घूमता फिरता हुआ आया है, और तुमने वो सिलेंडर के हाथों से तुमने रोटी बना ली, रोटी खा ली है, सब काम कर लिए। ये जो नोट है ना, नोट गिनते जा रहे हैं उसी हाथ से रोटी खा रहे हैं, वीराधना का पाप लगता है। सब जगह सारी दुनिया भर में घूमता है, सारी दुनिया भर में घूमता है, धुलावा धुले ना है वो, हाथ धोकर के आप बैठे हो और फिर नोट गिनते हुए फिर खाना खा रहे हो, तो धुले हुए हाथ बिना धुले हुए हो गए। हिंसा है तन्य वृत्ति, उन आयतनों से निर्वृत्ति की बात कर रहे हैं। परिणाम विशुद्धये, परिणामों की विशुद्धि के लिए तदपि कार्या, उन कार्यों को भी छोड़ देना चाहिए। यदि आप सच में हिंसा से बचना चाहते हो तो नहीं नहीं सब परिणाम ही रख लेते हैं शुद्ध। अरे तेरे परिणाम शुद्ध रह नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे तेरे परिणाम शुद्ध। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। ये जगत में प्रसिद्ध कथन है, ये कोई शास्त्रों की बात नहीं है। इसलिए सावधान रहो, जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं हमारे परिणाम वैसे हुए बिना नहीं रहते। धीरे धीरे प्रैक्टिकल आदमी नहीं कहेंगे, नहीं है। कितनी जगह पर अपन जाते हैं शादी विवाह आयोजनों के अंदर, लोग लिफाफा नहीं लेते हैं तो नहीं लेते हैं, गिफ्ट अलाउ ही नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है। कोई बुरा नहीं कहता है बल्कि प्रशंसा ही करता है उस व्यक्ति की। होता है ऐसा सारे जगत में, सिद्धांत है अपने अपने। और फिर वे ऑफ टॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कह दो कैसे मान है तो आप समझ लो आप तो वो अच्छा नहीं है, माफ करना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं नहीं ले सकता, मैं माफी चाहता हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन ये मेरे सिद्धांतों और नियमों के खिलाफ है, मैं नहीं लूंगा। तो सामने वाला व्यक्ति बुरा नहीं माने। आप जिस वे में बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपके द्वारा, कल हमने वचनों की बात कही थी, आपके द्वारा निकले हुए वचन सामने वाले के हृदय में प्रेम और वात्सल्य भर सकते हैं, और आपके द्वारा मुख से निकले हुए वचन आपको विरोधी, आपका विरोधी बना सकते हैं उसे। विवाद इस बात से नहीं होता है कि आपने लिया कि नहीं लिया, विवाद इस बात से होता है कि आपने मना किस तरह से किया। क्या बात तो हो गए, सावधानी रखो। देखिए नीचे अर्थ पढ़ता हूं इस बात का। हालांकि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती, 1100 साल पहले लिख रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी, ये तो सिद्धांत है कि पर वस्तु के कारण नहीं होती हिंसा, फिर भी
परिणामों की शुद्धि के लिए हिंसा के स्थान परिग्रह आदि को छोड़ देना चाहिए। बोलो, हमारे मुनिराज परिग्रह का त्याग क्यों करते हैं? हमारे मुनिराज संयोगों का त्याग क्यों करते हैं? हमारे मुनिराज का जीवन शुद्ध सात्विक क्यों होता है? क्यों त्याग कर दिया उन्होंने? परिणामों की विशुद्धि के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए ही त्याग किया है, छोड़ा है। देखिए व्यवहार में, अब व्यवहार की बात कर रहे हैं आपके, व्यवहार की भी तो बात करें कुछ। व्यवहार में जैसे हिंसा कहते हैं, जैसे किसी को सताना, दुख देना आदि हिंसा ना हो, ये बात नहीं है। मतलब हमारी कोई ये बात सुनकर के कि परिणामों से हिंसा होती है, रागादिक से हिंसा होती है, कोई व्यक्ति ये समझ लेवे कि चींटी मार रहा है और हाथ में वो लेकर के रैकेट लेकर के मच्छरों को मार रहा है, करंट और मालूम क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें आ गई हैं आजकल, तो हम कह रहे हैं भाई साहब क्षमा क्षमा, एक मच्छर ने आपको काट लिया, क्षमा करो उसको, आपने उसको जान ले ली उसकी, एक मच्छर ने क्या काट लिया, आप तो उसके पूरे कुल को नष्ट करने की बात करते हो। एक मच्छर नहीं बचना चाहिए, और अपने घर में ही नहीं पूरी कॉलोनी में एक मच्छर नहीं बचना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम बेचारे ने क्या किया है, तुमने उसके पूरे कुल को नष्ट करने के विकल्प करने लगे। क्षमा का अधिकारी नहीं है, क्षमा मांगनी नहीं चाहिए हमारे को उससे। क्या हमारे ऐसे अपराध नहीं है? हमारे मन में ऐसा भाव कैसे आ गया उन जीवों के प्रति, उनको मार देने का? सुनो, तुम्हें जो लगता है ना कि हमारे पीछे पड़े हैं हाथ धो के, किया होगा हमने कभी कुछ अपने द्वारा किया हुआ है ना कुछ, तो फल तो उसका भुगतना पड़ेगा ना, क्या करें। परिस्थिति बनती है ऐसी, ऐसी स्थितियां बन जाती है वर्तमान में, लेकिन आप अपने परिणामों की निर्मलता पूर्वक आकर्षण कर रहे हैं उसमें, वो पाप घट रहा है, घट जाएगा। सतर्क और सावधानी हमेशा, सावधानी आपकी, सुरक्षा भी आपकी। देखो ऐसा नहीं है कि हमने मारना सताना दुख देना आदि को हिंसा नहीं कहा है, वह तो हिंसा है ही, वो तो है ही हिंसा, क्योंकि उसमें प्रमाद का योग रहता है। पर हमारा लक्ष्य उसी पर केंद्रित हो जाता है और हम अंतरतम में होने वाली भाव हिंसा की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाते, हमारी दृष्टि वहीं केंद्रित हो गई, उनको बचाओ उनको बचाओ उनको बचाओ। अरे भाई उससे भी ऊपर उठ करके बात करो, तुमने जैन कुल में जन्म लिया है, यदि कदाचित जैन के अतिरिक्त दूसरे कुल में भी जन्म लेते तो उन धर्म दर्शनों में भी, उन कुलों में भी गायों को नहीं मारा जाता। क्या पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कैसे जीता था बताओ मेरे को, 17 बार हराया उसको पृथ्वीराज चौहान ने, 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया। अजमेर की घटनाएं, पृथ्वीराज चौहान की नगरी है अजमेर, और 17 बार हार जाने के बावजूद भी 18 बार लड़ने के लिए आया वो, एक बार हार जाने के बाद, 2 बार हार जाने के बाद, 3 बार हार जाने के बाद, उसकी हिम्मत देखो, उसका पुरुषार्थ देखो, क्या हुआ 18वीं बार क्या हुआ? हिंदू राजा था एक, गायों को लेकर के आगे होगा, 500 गायें साथ में लेकर के आगे, गायें दौड़ रही है, चला सामने से, एक तीर नहीं चलाया पृथ्वीराज चौहान ने, बंदी बना लिया गया। अब क्या होगा, बांध दिया और वहां मैदान में, खुले मैदान में ले जाकर के, और सारी सभा लगी हुई है, दरबार लगा हुआ है खुले में, अब खड़ा है वहां ऊपर बैठा हुआ है राजा मोहम्मद गौरी, और ये आंखें निकाल ली इसकी पृथ्वीराज चौहान की, दोनों आंखें नोच करके निकाल ली, बहुत अभिमान था ना तेरे को अपनी तीरंदाजी पर, अब कर, अब बैठा हूं तेरे सामने, अब चला तीर, क्या करना है बोल तेरे को। राजा ने ऐसा कहा, धनुष बाण दिया गया पृथ्वीराज चौहान को। अब पृथ्वीराज चौहान को जब धनुष बाण दिया गया तो आवाज तो आ ही रही थी कि इधर से आ रही है क्या, और तत्कालीन समय में वहां कवियों ने क्या जो छंद सुनाए हैं, कवि चंद्रवर्धन ने, देखो क्या लिखा उसने, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है म
मच्छू को चौहान क्या। और इतने में सुनते ही तो तीर छोड़ दिया और मोहम्मद गौरी नीचे आ गया एक तीर के लगते ही। ऐसे प्रसिद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान। कौन थे वो? मुझे तो बात ये कहनी थी हिंदू राजा थे, गौ हत्या नहीं कर सकते क्या। और हम जैन होकर के भी मात्र हमारी अहिंसा गौ रक्षा तक ही सीमित हुई तो जैनियों की अहिंसा और अन्य मतावलंबियों की अहिंसा में क्या फर्क रह गया? हम अकेले गाय की रक्षा की बात नहीं करते, हम बकरी की रक्षा की भी बात करते हैं, हम कुत्ते की रक्षा की भी बात करते हैं, हम बिल्ली की रक्षा की बात करते हैं, हम घर घर में चूहे के लिए पिंजरा लगाने को भी हिंसा कहते हैं। हम चूहे मारने की दवाई नहीं, चूहे मारने का जहर कहते हैं, वो भी हिंसा है, वो हत्यारे नहीं है। क्या उन्हें सजा मिलना नहीं चाहिए? होना चाहिए ना। अकेले पंचेंद्रियों की क्यों बात करते हो? मक्खी मच्छरों की हिंसा भी ना हो, कीड़े मकोड़ों की हिंसा भी न हो। बाल्टी के नीचे लाखों चींटियां आ गई, क्या करेंगे आप? पानी भर के बहा दो उन सबको। क्या बात कर रहे हो आप? कैसा विकल्प आ रहा है आपको? बहा दो इन सबको, क्या करें साहब? अब क्या होगा? कहाँ जाएगी? क्या होगा? तो क्या होगा तो बहा दो उनको। तुम भी बाढ़ में बह जाओगे? पानी के जिस बहाव में आदमी बह जाए वो आदमी के लिए बाढ़, और पानी के जिस बहाव में चींटियां बह जाए वो उनके लिए बाढ़। बाढ़ नहीं गए उनके लिए। मैं तो ये पर रक्षा की बात कर रहा हूं। ये क्रूरता है ये परिणामों की। घास पर चलना ये क्रूरता नहीं है। हृदय में उनके प्रति क्षमा का भाव नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधों के प्रति, फूलों के प्रति, सबके प्रति करुणा का भाव। ये पंखा चलता है, वायु का एक जीव, पंखा ते पवन है मिलोलियो, कितनी कितनी तरह की बातें। बिन सोधे अग्नि जलाई, गैस गैस को जाकर के आपने जलाया तो फूंक मार के जलाया था। नदी में नदियों में चीर दुहाए, कोसन के जीव मराए। किसाब अब तो कौन धोता है आज के जमाने में नदियों में जाकर के चीर? अरे नदियों में जाकर के नहीं धोते हो तो तुम्हारे सिंक में तो तेजाब डालते हो। साबुन से कम डालने की बात है। साबुन आपका जो साबुन का प्रयोग है आपके द्वारा, उसके माध्यम से वो साबुन आपकी आंखों में जाता है तो आप तिलमिला उठते हैं, और वो जो दो इंद्री चार इंद्री जीवों के शरीर पे लगेगा तो उनका क्या होगा? नाली में आपने तेजाब बहाया तो क्या होगा? वो जहां तक तेजाब बहता जाएगा एक भस्म हो जाते हैं, बिल्कुल राख हो जाते हैं। तुरंत टच होने मात्र से वो तेजाब उंगली पे टच हो जाए कैसा लगेगा? कोसों तक के जहां तक वो बहता रहेगा जीव हिंसा है। लेकिन हमारी अहिंसा इतनी मात्र नहीं है, क्योंकि इस अहिंसा की चर्चा तो आज तक अनंत बार की। ये तो हिंसा है ही, ये तो व्यवहारिक जीवन में पालन होना ही चाहिए, इतनी सावधानी तो रहनी ही चाहिए। लेकिन जैन दर्शन की अहिंसा इससे दो कदम आगे बढ़कर है। हमारी अहिंसा की चर्चा इससे ऊपर उठ करके है, वो अहिंसा की चर्चा यहां बतला रहे हैं। बोलो, हम कहीं वहीं तक अटक करके रह न जाएं, इसलिए ये बात की जा रही है। अतः यहां पर विशेषकर अंतर में होने वाली रागादि भाव को भाव हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। जिस जीव के बाह्य स्थूल हिंसा का भी त्याग नहीं होगा वह तो इस अंतर की हिंसा को समझ ही नहीं सकता। जो जो अभी जिसका खान पान शुद्ध नहीं है, जिसका रहन सहन शुद्ध नहीं है, जिसके बाहरी लाइफ में बहुत हिंसा हो रही है, वो तो व्यक्ति समझ ही नहीं सकता इन बातों को, उसकी तो समझ से परे है। अतः चित्त शुद्धि के लिए ये बैलेंस है। देखो आप, माने प्रतिपादन में इस बैलेंस की बात ध्यान देने योग्य है। या तो हम निश्चय का पक्ष लेकर के निश्चयवासी हो जाते हैं, या फिर व्यवहार में इतने मूढ़ हो जाते हैं कि निश्चय की बात को समझने के लिए ही तैयार नहीं होते। लेकिन निश्चय और व्यवहार दोनों का बैलेंस ज्ञानियों के जीवन में होता है। चित्त शुद्धि के लिए अभक्ष्य भक्षणादि एवं रात्रि भोजनादि हिंसक कार्यों का त्याग तो अति आवश्यक है ही, तथा मध्य मांस मधु एवं पंच उदंबर फलों का त्याग भी आवश्यक है, क्योंकि इनके सेवन से अनंत जीवों का घात होता है, असंख्यात जीवों का घात होता है, अनंत एकेंद्रीय जीवों का घात होता है। सुधार लेना।
रस अनंत नहीं है, तथा परिणामों में क्रूरता आती है। अहिंसक वृत्ति वाले मंद कषायी जीव की इस प्रकार की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं पाई जा सकती। जिसका आचरण अहिंसक है उसकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। देखिए पूरा करते हैं इसे। क्या राजू को थूकने के लिए मना करते? हाँ, कितना एक एक चीज में बहुत सावधानी है। देखिए पूरा करते हैं इसे, छोटा सा प्रकरण और है, विशेष बातें कुछ होगी तो कल थोड़ी बहुत चर्चा को छेड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हिंसा की चर्चा आज संपन्न हो जाए। दो प्रकार की हिंसा है, पहले हमने पढ़ा है कौन से पाठ में, बालभूत पाठमाला भाग दो पाठ दो, भाग दो का दूसरा पाठ, पांच पाप पाप वाला पाठ था वो, उसमें हिंसा पढ़ी है। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, जीवों के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं और घात करने के भाव को भाव हिंसा, इतना तो प्रायः लोग समझ लेते हैं। पर बचाने का भाव भी वास्तव में सच्ची अहिंसा नहीं, क्योंकि वह भी राग भाव है। ये प्रायः नहीं समझ में आता, ये नहीं समझ पाते हम, बचाने का भाव भी राग भाव है। अच्छा बतलाइए, हमारे तीर्थंकर परमात्मा सच्चे अहिंसक हैं या नहीं? उनके मन में किसको बचाने का भाव आता है? हमारे मुनिराज सच्चे अहिंसक हैं या नहीं? मुनिराज कहीं बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, हमने पहले भी कही है चर्चाएं आपसे, बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और जिस जगह पर बैठे हैं सामने पेड़ के नीचे हजारों लाखों चींटे चींटियां हैं, कोई गिरगिट आता है और चींटे खा रहा है, कोई ऊपर से चिड़िया आ रही है और चींटे खा रही है, अब क्या करना बोलो? करुणा भाव है नहीं मुनिराज के हृदय में, भगाया, फिर आकर के ध्यान करने के लिए बैठे, फिर आकर के खा रहे, फिर उठे भगाना शुरू किया, फिर भगाया थोड़ा सा पत्थर मार कैसे भी भगाया, फिर आकर के बैठे, अब फिर आकर के बैठे, फिर वो आकर के उनको खाती, अब क्या करें बोलो? अपना ध्यान आराधना छोड़ दें और इसी में लगे रहे, यही काम करें। और चींटों को तो बचाने का भाव है, उसको पत्थर मारने का भाव है, उसका अंतराय करने तो रहे, उसके लाभ में आते हैं कुछ नहीं, जिसका जैसा होना है सो होगा। मुनिराजों की करुणा यहीं तक होती है कि स्वयं चार हाथ जमीन देख करके चलेंगे, अपनी किसी भी क्रिया और पद्धति के माध्यम से किसी भी जीव की विराधना नहीं होगी, और जगत के जीवों के प्रति करुणा का भाव होने से उन्हें धर्मोपदेश तत्वोपदेश देगी। बचाने का भाव भी हिंसा है, कैसे बचाएं और क्या करें बतलाओ? बचाने में लग जाए फिर खड़े हो जाए फिर वहीं पर, और वो तो लाखों हैं चींटे, तो चींटे भी लाखों हैं और वो भी तुम्हारे उससे मानने वाले नहीं, अब क्या करें? वहीं खड़े रहो, मैं यहीं खड़ा हूँ, सब हो गए। क्या करते हैं उन्हें? सच्ची अहिंसा तब होती है जब बाहर में देखना बंद करके अंदर में देखते हैं, तो सच्ची अहिंसा होती है। जब राधा जी मिटते हैं तो सच्ची अहिंसा होती है, ये कह रहे हैं यहाँ। रक्षा करने का भाव भी हिंसा है, ये समझ नहीं पाते हम। राग भाव चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है, क्योंकि वह बंध का कारण है। जब राग भाव की उत्पत्ति को हिंसा की परिभाषा में आचार्य अमरचंद्र ने सम्मिलित किया होगा, बोलो, राग भाव की उत्पत्ति को हिंसा में सम्मिलित किया होगा, क्या कहा? अप्रादुर्भाव है खलु रागादि नाम भवती हिंसेति। जब इस परिभाषा में ये बात शामिल की है उन्होंने, तब उसके व्यापक अर्थ शुभ राग और अशुभ राग का ध्यान उन्हें न रहा होगा ऐसा नहीं माना जा सकता। अहिंसा की सच्ची और सर्वोत्कृष्ट परिभाषा आचार्य अमरचंद्र ने दी है कि राग भाव किसी भी प्रकार का हो हिंसा ही है। यदि उसे कहीं अहिंसा कहा हो तो उसे व्यवहार का कथन जानना चाहिए। भाई बचाने के भावों को अहिंसा कहते हैं ना कहीं कहीं, बचाओ साहब बचाओ साहब, इनकी रक्षा होनी चाहिए, इनके प्रति करुणा होनी चाहिए, उसे जहाँ जहाँ अहिंसा कहा गया होगा वो व्यवहार की बात समझनी चाहिए। यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि ऐसी अहिंसा तो साधु ही पाल सकते हैं, अतः ये तो उनकी बात हुई। सामान्य जनों श्रावकों को तो दया रूप माने दूसरे को बचाने के भाव रूप अहिंसा ही सच्ची है, ये कहो ना। जिस अहिंसा की आप बात कर रहे हो तो मुनिराज पाल सकते हैं, पर आचार्य अमरचंद्र ने श्रावक के आचरण के प्रकरण में ही इस बात को लेकर यह सिद्ध किया है। श्रावक आचार्य ने लिखा है कि अहिंसा दो प्रकार की नहीं होती, अहिंसा को जीवन में उतारने के स्तर दो हो सकते हैं। हिंसा तो हिंसा ही रहेगी, यदि श्रावक पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता तो वह अल्प हिंसा का त्याग करे, पर जो हिंसा
वह छोड़ न सके उसे अहिंसा तो नहीं माना जा सकता है। मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे मन में भाव आता है मैं तो बचाऊंगा, कोई बात नहीं, उसको अहिंसा तो नहीं माना जा सकता है। सच्ची अहिंसा की बात कर रहे हैं, व्यवहार में तो अहिंसा कहेंगे ही उसे। यदि हम पूर्णतः हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं तो हमें अंशतः त्याग करना चाहिए। यदि वह भी नहीं कर सकें तो कम से कम हिंसा को धर्म मानना और कहना तो छोड़ना ही चाहिए। शुभ राग राग होने से हिंसा में आता है और उसे हम धर्म माने यह तो ठीक नहीं। राग द्वेष मोह भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है और उन्हें धर्म मानना ये महाहिंसा है, तथा रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही परम अहिंसा है और रागादि भावों को धर्म नहीं मानना ही अहिंसा के संबंध में सच्ची समझ है। यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है कि तीव्र राग तो हिंसा है पर मंद राग को हिंसा क्यों कहते हो? तीव्र राग और मंद राग क्यों? मंद राग राग नहीं है क्या? आगे है तो राग ही ना। पर बात यह है कि जब राग हिंसा है तो मंद राग अहिंसा कैसे हो सकता है? हो जाएगा, वह भी तो राग की ही एक दशा है। यह बात अवश्य है कि मंद राग मंद हिंसा है और तीव्र राग तीव्र हिंसा है, अतः यदि हम हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं कर सकते तो उसे मंद तो करना ही चाहिए। अपनी भूमिका अनुसार राग जितना घटे उतना ही अच्छा है, पर उसके सद्भाव को धर्म नहीं कहा जा सकता है। धर्म तो राग द्वेष मोह का अभाव ही है और वही अहिंसा है जिसे परम धर्म कहा जाता है। ये सच्ची अहिंसा है, ये तो स्वरूप समझने की बात है भाई। जितना लाइफ में पालन हो सके उतना पालन करना, लेकिन एक बार सत्य की स्वीकृति आचार्यों के निर्देशन में, ग्रंथों के निर्देशन में, आगम के निर्देशन में, शास्त्रों में जो बात कही गई है उन बातों का आधार लेकर हम सत्य बात को समझने का प्रयास करें, फिर जितना यथासंभव हो सके हम उसे जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। हम सभी के जीवन में पूर्णतः हिंसा पालन की भावना हो और भूमिका अनुसार उस हिंसा को, उस रागादिक को मंद करते करते अल्पकाल में हम उस पूर्णता की तरफ पहुँचे, इसी भावना से बात को विराम देते हैं।